तो ये कुछ फाइनल लुक है मेरे मंडप का। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा बना है मंडप। और अभी हम लोग निकल रहे हैं गणपति जी को लेने, तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइज अभी हम लोग गणपति बप्पा को लेने के लिए जा रहे हैं और अभी बारिश थोड़ी थोड़ी रुकी हुई है। और ये देखिए हमारा बाबू जो मौसा जी इसको कैरी करके लेके जा रहे कितने संभाल के। और यहाँ पे हम सब लोग जा रहे हैं गणपति बप्पा को लेने के लिए, तो हम वहाँ पे आपको जाके मिलते हैं क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो जाके मिलते हैं आपको। वीडियो में बने रहिए आगे। तो यहाँ हम उस दुकान पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने गणपति बुक किया था। गणपति कम से कम आपको महीने दिन पहले बुक करना पड़ता है क्योंकि फिर लास्ट में मूर्ति जो बची रहती है उसको ही लेना पड़ता है। तो हमने एक पहले उसका रसीद रहता है वो दिखाई और फिर ऐसे जाते हैं वहाँ पे नारियल लेकर के दिया, मतलब जो भी रहेगा पूजा का सामान वहीं से पूजन चालू हो जाता है गणपति जी का। तो यहाँ से देखिए हम लोग मतलब अब दोनों लोग पूजा कर रहे हैं गणपति जी का। यहाँ पे सिया के पापा जला रहे थे और वो जला ही नहीं पा रहे थे, एकदम परेशान हो गए थे। फिर हम दोनों लोग नीचे बैठ के जलाए तो कैसे अगरबत्ती, बहुत तेज़ हवा थी और बारिश भी हो रही थी। तो उसके बाद से फिर यहाँ पे हम दोनों लोग मिलकर बैठ के वो दिया जलाए, मतलब फाइनली जल गया। और इस दिन में तीज भी व्रत थी निराजल, तो उसी दिन शाम को लेके आते हैं। और फिर हमने सब वहाँ पे जो भी मतलब रहता है पूजा करते हैं। फिर वहाँ पे जो भी आपके पास जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना भगवान के नाम पे, जो आप बुक किए हो जितनी की मूर्ति है उसके अलावा 51, 101, 21 मतलब जो भी रहे आप दे के आ सकते हैं। और यहाँ पे नारियल रहता है वो फोड़ते हैं, वहीं पे चढ़ाते हैं, आधा नारियल उनको देते हैं और आधा अपना लेके आते हैं। और यहाँ से फिर मुंह ढक कर के ही ले जाते हैं क्योंकि जब तक स्थापना नहीं होती है तब तक मुंह खोला नहीं जाता है। तो जब स्थापना हो जाती है उसके बाद हम मुंह खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया रोने। तो ये हमारे गणपति जी आ चुके हैं अभी, और अभी इनका मुख नहीं खुला है, ये खुलेगा कल स्थापना होने के बाद। और इनके आने से हमारी जो सजावट थी उसमें 4 चांद लग गया है। तो आप लोग देखिए और वीडियो में आगे बने रहिए।
तो यहाँ पे गणपति के आने के बाद उनकी दिया मतलब अगरबत्ती जलाई सिया के पापा ने, और बाकी की जो पूजा है वो कल सुबह पंडित जी आएंगे कराएंगे। वो वीडियो देखने के लिए आगे बने रहिए।